गुड मॉर्निंग, मैं कपूर चंद वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर AVST, BCOM पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर है। और हमारा जो चैप्टर पहले चल रहा था वो थी रॉयल्टी अकाउंट्स, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जो हमने पिछला पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ रहे थे कि रॉयल्टी अकाउंट से संबंधित कुछ शब्दावली, उनका अर्थ हमारे को समझना क्या ज़रूरी है। उसमें नंबर 3 हम पढ़ चुके थे शॉर्ट वर्किंग्स, उसके बाद में नंबर 4 है अधिकार्य राशि या आदि के एक्सेस वर्किंग्स या सरप्लस, न्यूनतम किराए पर वास्तविक अधिकार शुल्क के आदि के को अधिकार्य राशि या आदि के कहा जाता है। मतलब मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी यदि अधिक होती है तो उसे क्या कहेंगे हम, एक्सेस वर्किंग्स या सरप्लस। और इसका विपरीत यदि न्यूनतम मिनिमम रेंट एक्चुअल रॉयल्टी से अधिक होता है, मतलब मिनिमम रेंट, तो उसे क्या कहेंगे हम, लघु कार्य राशि, शॉर्ट वर्किंग्स। बड़ा इनको समझना है और ये निश्चित रूप से क्या है कि आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसको सोल्यूशन करने में क्या है कि इनकी अहम भूमिका रहेगी। यदि उत्पादन 2000 टन एवं अधिकार शुल्क 5 रुपये प्रति टन हो तथा न्यूनतम किराया 5000 रुपये, तो अधिकार्य राशि होगी 10000 माइनस 5000 बराबर 5000। अधिकार शुल्क संचय रॉयल्टी रिजर्व, भूस्वामी मतलब मालिक लैंडलॉर्ड की पुस्तकों में न्यूनतम किराए के वास्तविक अधिकार शुल्क पर आदि के को अधिकार शुल्क संचय के नाम से दिखाया जाता, अर्थात पट्टेदार की पुस्तकों में इसका लेखा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में करते हैं तथा भूस्वामी की पुस्तकों में रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में करते हैं। लघु कार्य राशि की वसूली रिकॉपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स, पट्टे के प्रारंभिक वर्षों में उत्पादन कम होता है तथा धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होती है, इसी कारण प्रारंभिक वर्षों में लघु कार्य राशि उत्पन्न होती है तथा इस राशि के उत्पन्न होने की परिस्थिति में पट्टेदार को न्यूनतम किराया देना ही पड़ता है। इससे भूस्वामी को तो लाभ होता है परंतु पट्टेदार को हानि होती है। इस कारण पट्टे की शर्तों में एक उपबंध किया जाता है कि लघु कार्य राशि को आगामी वर्षों की आदि के राशि में से वसूल किया जाए। पट्टे में लघु कार्य राशि वसूल की शर्त रहने से पट्टेदार भी हानि से बच जाता है। पट्टे की शर्तों में वसूली के इसी अधिकार को लघु कार्य राशि की वसूली कहते हैं। लघु कार्य राशि वसूल करने की अवधि पट्टे के समझौते में तय की जाती है। मतलब ये आप जो उपबंध करते हैं या यूं कहें कि आप जो समझौता करते हैं उसमें क्या है कि इस बात को जोड़ा जाता है कि जो लघु कार्य राशि शॉर्ट वर्किंग राशि होगी उसकी वसूली, उसकी भरपाई कितने वर्षों तक की जा सकती है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, तो ये उस अनुबंध में इसका समझौते की शर्तों में इसका लेखा रहता है और आपको प्रत्येक क्वेश्चन में क्या है कि ये बात लिखी पाएंगे। लघु कार्य राशि की वसूली की निम्न परिस्थितियां हो सकती हैं। लघु कार्य राशि की वसूली प्रथम कुछ वर्षों में करना, प्रश्न में निम्न सूचनाएं हो सकती हैं, लघु कार्य राशि को प्रथम 2 या 3 या 5 वर्षों तक अधिकार्य राशि में से वसूल की जा सकती हैं, लघु कार्य राशि को एक निश्चित तिथि तक वसूल किया जा सकता है।
नंबर दूसरी, लघु कार्य राशि को आगामी वर्षों की अधिकार्य राशि में से वसूल करना। प्रत्येक वर्ष की लघु कार्य राशि को केवल आगामी वर्ष में वसूल किया जा सकता है। किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को आगामी 3 वर्षों की अधिकार्य राशि में से वसूल किया जा सकता है। वास्तविक अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का आधिक्य जिस वर्ष में ऐसा आधिक्य चुकाया गया था उससे संबंधित आगामी 3 या अधिक वर्षों में वसूल किया जा सकता है। नंबर 3, अनुबंध की अवधि के दौरान लघु कार्य राशि को वसूल करना। अनुबंध के प्रथम 6 वर्षों की लघु कार्य राशि को पट्टे की अवधि में किसी भी समय वसूल की जा सकती है। किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को पट्टे की अवधि में अधिकार राशि में से किसी भी कभी भी वसूल की जा सकती है। नंबर 4, अनुबंध में लघु कार्य राशि वसूल करने की कोई शर्त नहीं हो। नंबर 5, लघु कार्य राशि की एक निश्चित राशि ही आगामी वर्षों में वसूल करने का अधिकार होना। तो ये हमारी लघु कार्य राशि को वसूल करने की शर्त हो सकती हैं अनुबंध के अंतर्गत, और उसी के अनुसार प्रश्न को सोल्व करना पड़ता है। शोधनीय लघु कार्य राशि रेडीमेबल शॉर्ट वर्किंग, यह राशि जिसे वसूल करने का अधिकार पट्टेदार को आगामी वर्षों की अधिकारी राशि में से होता है, शोधनीय लघु कार्य राशि कहलाती है। पट्टेदार की पुस्तकों में इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। अशोधनीय लघु कार्य राशि रेडीमेबल या अनरिकॉवेबल शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य राशि को वसूल करने की अवधि समाप्त होने पर वह राशि अशोधनीय राशि कहलाती है, और इस राशि को लघु कार्य राशि खाते से लाभ हानि खाते में ले जाकर अपलिखित कर दिया जाता है। यह पट्टेदार के लिए हानि है तथा पट्टेदाता के लिए लाभ के रूप में माना जाता है। इस प्रकार से हमारी लेखांकन प्रविष्टियां अधिकार शुल्क के लिए पट्टेदार का जनरल ऑफ लेसी, मतलब जो रॉयल्टी किराए पर लेता है, तो रॉयल्टी की राशि है वो उसके लिए एक खर्चा या हानि के रूप में होती है, इसलिए उसी प्रकार से इसकी प्रवृत्ति की जाएगी। रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंड लोड अकाउंट या ले सर अकाउंट, भू स्वामी की परिस्थिति में जो रॉयल्टी का मालिक होता है उसके लिए जो रॉयल्टी है वो एक लाभ के रूप में मानी जाती है। तो लेसी अकाउंट आर टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, भुगतान जब करता है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर या लेसर अकाउंट डीआर टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, यहाँ अब जो भी क्या कि होता है ट्रांजैक्शन वो बैंक के माध्यम से ही होता है, कैश के माध्यम से होता है। ये प्रविष्टि लैंडलॉर्ड या लेसर करेगा कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू लेसी अकाउंट। लेखा अवधि के अंत में जो रॉयल्टी है उसको हम ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट, और ये कर देगा लेसर रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रकार से क्या है कि इसके जनरल प्रविष्टियाँ होती हैं। ये जब न्यूनतम किराए का कोई प्रावधान नहीं हो तो ये प्रत्येक वर्ष 3 प्रविष्टियाँ की जाती हैं। जब न्यूनतम किराए का प्रावधान हो एवं लघु कार्य राशि की वसूली का अधिकार हो तो उसी के अनुसार क्या है कि इन्हीं प्रविष्टियों में क्या है कि और बढ़ोतरी हो जाएगी और प्रविष्टियाँ की जाएंगी शर्तों के अनुसार। अधिकार शुल्क के लिए जब अधिकार शुल्क शून्य हो, अधिकार शुल्क शून्य हो तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट मिनिमम रेंट बीइंग शॉर्ट वर्किंग ड्यू, मतलब ये मिनिमम रेंट के अनुसार प्रविष्टि की जाएगी। लेसी अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, क्योंकि ये जो राशि मिली है वो एक तरह से रॉयल्टी के रूप में तो है लेकिन उत्पादन कुछ नहीं हुआ, सेल कुछ नहीं। जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम हो तो रॉयल्टी अकाउंट डीआर जितना है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लेसी अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी रिजर्व रिसीवेबल अकाउंट और टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, ये शॉर्ट वर्किंग की राशि होगी।
जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए के बराबर या उससे अधिक हो, तो रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड अकाउंट रॉयल्टी टू लेसी अकाउंट या टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। सभी परिस्थितियों में भुगतान के लिए लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू कैश या बैंक अकाउंट या टू लेसी अकाउंट। सभी परिस्थितियों में लेखा अवधि के अंत में अंतरण करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी अकाउंट और रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लघु कार्य राशि की पूर्ति होने पर लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट या टू लेसी अकाउंट। अशोधनीय लघु कार्य राशि का हस्तांतरण करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रविष्टियाँ हैं, उनमें 7 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। इस प्रकार से क्या कि हमारी ये प्रविष्टियाँ की जाती हैं। लघु कार्य राशि की वसूली के समय वसूली की राशि एवं भुगतान की राशि के लिए संयुक्त प्रविष्टियाँ भी की जा सकती हैं। तो आप ये संयुक्त प्रविष्टि न करके और अलग अलग प्रविष्टि करोगे तो क्या कि आपको समझने में भी सुविधा रहेगी और हम उसको गलत नहीं हो पाएंगे हमारी प्रविष्टि। इसलिए क्या कि हम अलग अलग प्रविष्टि करेंगे तो हमारे को सुविधाजनक रहेगा। जब न्यूनतम किराए का प्रावधान हो परंतु लघु कार्य राशि वसूल करने का अधिकार नहीं हो, तो मेन चीज़ है कि अधिकार लघु कार्य राशि का वसूल करने का अधिकार नहीं है तो उससे संबंधित प्रविष्टियाँ नहीं होंगी। जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम हो तो रॉयल्टी अकाउंट डीआर शॉर्ट वर्किंग अनरिकॉपेबल अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट लेसी अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग नॉन पेबल अकाउंट। न्यूनतम किराए के भुगतान करने पर लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू लेसी अकाउंट और लाभ हानि खाते में अंतरण करने पर लेखा अवधि के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग अनरिकॉपेबल अकाउंट। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डीआर शॉर्ट वर्किंग नॉन पेबल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उपयुक्त परिस्थितियों में निम्नलिखित वैकल्पिक परिस्थितियां की जा सकती हैं। न्यूनतम किराए की राशि से रॉयल्टी अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट और लेसी अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। भुगतान की राशि से लैंडलॉर्ड अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट कैश या बैंक अकाउंट डी आर टू लेसी अकाउंट डी आर लेखा अवधि के अंतिम हस्तांतरण करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी अकाउंट और रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डी आर टू। तो पट्टेदार या पट्टेदाता को कोई कंपनी हो तो उसकी पुस्तकों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाएगा। लेकिन जहाँ तक यहाँ है कि यहाँ कंपनी न होकर ज़्यादातर व्यापारी लोग ही हैं, इसलिए जो है कि यही प्रविष्टियाँ हमारी की जाएंगी।